मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं। प्रधानमंत्री को एसडी रह चुके और सच्चर कमेटी में अहम रोल निभाने वाला ये रिटायर अफसर अब युवाओं को आईएएस आईपीएस बनाने की राह दिखा रहा है। अफसर और उनकी संस्था की मदद से हर साल 20 से 25 मुस्लिम और क्रिश्चियन युवा सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर रहे हैं। 20 दिसंबर को आईयूपीएस मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट में भी इस अफसर की संस्था के 29 युवाओं ने इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता साफ किया है। अप्रैल 2018 में यूपीएससी के इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारों के रिजल्ट में इस संस्था से 26 युवा शामिल थे। युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस संस्था जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जफर महमूद जमीयत उलमाए हिंद की मदद से अब 3 एकड़ जमीन पर डासना में सर सैयद कोचिंग के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं। जफर महमूद 2008 से युवाओं को सिविल सर्विस की तैयारी करा रहे हैं। अब तक 100 से अधिक युवा जकात की मदद से देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं। 16 और 18 सफल उम्मीदवारों में से शुरू हुआ कामयाबी का सिलसिला अब 26 पर पहुंच चुका है। एक रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बाद देश के हर कोने से मेरिट के आधार पर युवाओं का चयन किया जाता है। जफर महमूद बताते हैं कि दिल्ली में रखकर युवाओं को तैयारी कराई जाती है, जो कि अलग अलग कोचिंग में भेजा जाता है। हॉस्टल में युवाओं के लिए रहना, खाना और स्टडी मटेरियल तक का इंतजाम जकात फाउंडेशन की ओर से किया जाता है। युवाओं की तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी में उन्हें मदद करने के लिए रिटायर्ड और सर्विस में मौजूद आईएएस आईपीएस आईआरएस और आईएफएस सरीखे अधिकारियों की मदद भी ली जाती है। जफर महमूद बताते हैं, मैं जब एएमयू में पढ़ता था तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन मदद करने वाला कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। दूसरा ये कि मैं खुद भी सच्चर कमेटी में रह चुका हूँ। रिपोर्ट में जो हाल मैंने देखा तो उसके बाद लगा कि वाकई सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए इस तरह का कोई सेंटर होना ज़रूरी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।